सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। तो गाइस ये साउंड सुनिए आप, ये जो साउंड आ रही है इस बाइक के अंदर वो आ रही है टाइमिंग चैन की। बाइक है सुपर स्प्लेंडर और आज हम इसकी टाइमिंग चैन कैसे चेंज करते हैं वो आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें हेड की जो साइड प्लेट लगी है हेड पे उसको खोल लेना है इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर आप टाइमिंग चैन को चेक कीजिए। देखिए ये कितनी लूज है, ये जो साउंड कर रही है ये टाइमिंग चैन ही कर रही है, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ही लूज है। तो हम सबसे पहले इस कवर को खोल लेते हैं, इसमें 2 8 mm के बोल्ट होते हैं उसको खोल लीजिए, और उसके बाद जो यहाँ पे ये मैग्नेट कवर लगा है उस पर 8 mm के जितने भी बोल्ट लगे हैं उन सभी को आप खोल लीजिए, और ये जो कवर है उस पर एक प्लास्टिक का हैमर लीजिए और उसके साथ इस तरह से हिट करने के बाद उसको खोल दीजिए। तो इस तरह से हमारा जो कवर है ये मैग्नेट कवर ये उतर चुका है, और इस पर जो पैकिंग वगैरह है वो आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये फट चुका है। अब हम ये स्पॉकेट निकालेंगे सेल्फ वाली, यहाँ पे एक बुश होता है और एक पिन डली होती है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और उसके बाद हमें जो ये फ्लाईव्हील है इसके ऊपर ये 17 mm का एक नट लगा है, उसको हम 17 mm की एक सॉकेट लेके उसके साथ खोल लेते हैं। यदि आपके पास स्पेशल पुलर है ठीक है, यदि आपके पास ये गन है तो इसके द्वारा भी आप इसको आसानी से खोल सकते हैं बिना किसी टूल के। देखिए कितने आसानी से ये जो नट था वो खुल चुका है, और ये नट है इसके पीछे एक वासल लगी होती है, ये वासल थोड़ी मोटी होती है इस तरह से। अब हमें फ्लाईव्हील को बाहर निकालना है, तो उसके लिए हमें एक पुलर चाहिएगा। आप यहाँ पर जो सीडी डिलक्स और एचएफ डिलक्स में जो पुलर लगता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पुलर जो है स्प्लेंडर प्लस के अंदर भी लगता है, जो नए मॉडल हैं उनके अंदर भी ये पुलर लगता है। और इस तरह से आप फ्लाईव्हील को रोकिए और हल्की सी चोट लगाइए इस तरह से, और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इस पुलर ने जो था जो फ्लाईव्हील है उसको बाहर निकाल दिया है। अब आप इसको खोल लीजिए। यहाँ पे ध्यान रखें इसमें जो थ्रेड होता है, जो चूड़ी होती है वो नॉर्मल होती है, इसमें उल्टी चूड़ी नहीं होती जैसे कि जो स्प्लेंडर प्लस है ओल्ड मॉडल उनके अंदर उल्टी चूड़ी होती है पुलर जहाँ पे लगता है। तो गाइस उसके बाद हमें इस एडजस्टर को खोल लेना है। खोल लेना इसलिए ज़रूरी है, कई बार जो है हिंदुस्तान के अंदर आपको पता ही है जुगाड़बाजी ज़्यादा होता है, जो ये एडजस्टर होता है उसके ऊपर कई बार जो है कुछ मैकेनिक भाई जो है नट वगैरह वेल्डिंग कर देते हैं, जैसा कि यूट्यूब पे कुछ मैकेनिक भाई बताते भी हैं जुगाड़बाजी। तो यहाँ पर हम पहले उसको ही चेक करेंगे, कई बार फिर टाइमिंग चैन जो है वो फिटिंग नहीं होता अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं लूज होने की वजह से ये एडजस्टर जो है यहाँ से कट चुका है, हालांकि इस पर कोई नट वगैरह ऊपर वेल्डिंग नहीं किया गया है, ये नॉर्मल ही है, लेकिन ये थोड़ा सा छिल चुका है, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये लूज होने की वजह से छिला है टाइमिंग चैन के। तो अब हम यहाँ से इस पत्ती को खोल लेते हैं, और इस तरह से इस पत्ती को खोलिए। ये टाइमिंग चैन को जो है लूज होके टाइमिंग आउट होने से बचाती है, कहीं बार टाइमिंग चैन ज़्यादा लूज हो जाती है जैसे इस बाइक की थी, टाइमिंग आउट ना हो जाए इसलिए पत्ती लगाई हुई होती है। अब इस गाइड को खोलिए, इस गाइड को आपको थोड़ा सीधा करके निकाल लेना है इस तरह से पीछे की तरफ, और ये इस तरह से हमारी गाइड जो है निकल चुकी है। नीचे गाइड को आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यदि आपको इसको चेंज करना है, कस्टमर पैसे खर्चने को तैयार है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है वो कितना पैसा खर्चता है। तो हमें जो ऑर्डर मिला है वो मिला है इसकी टाइमिंग चैन को चेंज करने का। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम टाइमिंग चैन को घुमाते हैं तो ये इतनी लूज है, देखिए ऊपर से घूम रही है, यहाँ से देख रहे हैं आप ध्यान से, ये ऊपर को घूम रही है, तो उसको हमें जो है यहाँ से एक प्लायर के द्वारा रोकना पड़ेगा ताकि इसके जो बोल्ट लगे हैं इस पॉकेट में वह खुल जाए। इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं, इसको हाथ से रोकने की जरूरत कोशिश ना करें, कई बार उंगली वगैरह आ जाती है और आपका नुकसान हो सकता है। और जब दोनों बोल्ट खुल जाएं तो आप इस तरह से इस स्पॉकेट को बाहर निकालिए, और उसके बाद जो टाइमिंग चैन है उसको पीछे की साइड से आपको निकालना है, इस तरह से उठाएं पीछे से और तिरछा करें और बाहर निकल जाएगी, जो हमारी टाइमिंग चैन है वो बाहर निकल चुकी है।
ठीक है। अब हम इसके अंदर जो टाइमिंग चैन डालने वाले हैं वो डालने वाले हैं रोलन की। तो ये जो टाइमिंग चैन है सुपर सबलेंडर में चल जाती है, ग्लैमर में चल जाती है, एक्सेस 125 हीट वगैरह, और एक जो फोनिक्स बाइक है टीवीएस की, फोनिक्स में भी यही टाइमिंग चैन चल जाती है जो सुपर सबलेंडर में डलती है। तो हम इस टाइमिंग चैन को डालने वाले हैं। ये जो रोलन की टाइमिंग चैन है इस पर आप मार्किंग देख सकते हैं, RR लिखा हुआ है, ठीक है। ये टाइमिंग चैन रोलन की है तो इस पर R लिखा है। यदि ये डायमंड की होती तो उस पर डायमंड का निशान होता। तो ज़्यादातर मैकेनिक जो हैं या तो हीरो की यूज करते हैं, उसके अंदर भी आपको रोलन या फिर डायमंड की ही टाइमिंग चैन अंदर मिलती है हीरो की पैकिंग के अंदर। तो हम जो कवर वगैरह है उसको अच्छे तरीके से पेट्रोल लगा के क्लीन कर लिया है और अब डालते हैं टाइमिंग चैन। टाइमिंग चैन को आपको इस तरह से गाइड के ऊपर से आगे की तरफ पुश करना है और जब ये यहाँ पे आ जाए इस तरह से उंगली से आपको पकड़ के इसको पीछे खींच लेना है और इस तरह से इसको सीधी कर दें। और यहाँ पर जो है जो क्रैंक में जो स्पॉकेट लगा है उसके अंदर आपको इस तरह से इसको फिटिंग कर देना है और इसको आगे इस तरह से रोक दें कैम के ऊपर। और अब जो है आपको जो ये जो गाइड आपने निकाली थी उस गाइड को जो है आपको इस तरह से वापस लगा देना है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये थोड़ा अड़ेगा लेकिन फिर भी आपको इस तरह से हिला के इसको लगा देना है और इस बुश के अंदर इसको डाल देना है। अब इसके ऊपर एक पत्ती लगेगी ताकि ये गाइड बाहर ना आ जाए, तो उसके ऊपर हमें एक पत्ती भी लगानी है जो हमने खोली थी, ये वाली पत्ती। हालांकि थोड़ी मोसी हुई है टाइमिंग चैन लूज होने की वजह से, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं प्लायर के द्वारा। यहाँ से बैंड हो चुकी है, थोड़ा सा सीधा करते हैं और फिर लगाते हैं। तो देखिए हमने इस पत्ती को जो था सीधा कर दिया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम ताकि ये गाइड बाहर ना जाए। दोस्तों ये पत्ती टाइमिंग चैन को उतरने से भी बचाती है जब ये टाइमिंग चैन ज़्यादा लूज हो जाती है और हम बाइक को चलाते रहते हैं तो उस समय जो है ये चैन उतर ना जाए पीछे से या फिर टाइमिंग आउट ना हो जाए, इसलिए लगी होती है। तो इस तरह से आप इसमें 8 mm का एक बोल्ट लगा के इसको टाइट कर दीजिए। तो हमारा जो यहाँ का काम है वो लगभग ख़त्म हो चुका है और अब हम यहाँ पर एक बैरिंग डालेंगे। अभी टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें फ्लाई व्हील को जो है वापस लगाना है। तो हमने इसको क्लीन वगैरह कर दिया है और पीछे बैरिंग लगाने के बाद आपको जो है जहाँ पे काटर है ये काटर लगी हुई है तो इसकी सीध में जो है फ्लाई व्हील को करना है और थोड़ा इस तरह से घुमा के जो है आपको उसको उस काटर के अंदर इस तरह से बिठा देना है। तो यहाँ पर ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक आसान काम है। उसके बाद आप यहाँ पर एक वाशर लगाएं और उसके बाद जो आपने नट खोला था 17 mm का उसको लगा दें। अब अपनी गन लें और जो फ्लाई व्हील है उसको थोड़ा हाथ से पकड़ें इस तरह से और गन के द्वारा 2-3 इम्पैक्ट इसको दें। तो कम से कम 2-3 इम्पैक्ट लगने जरूरी है, ये जो नट है वो खुल ना जाए इसलिए। तो हमने इस पर 3-4 इम्पैक्ट लगा दिए हैं और अब बारी है इस पॉकेट को लगाने की जो इस बाइक को सेल्फ से स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले हम इस पॉकेट को इस तरह से लगाएंगे, जो पतले वाले टीथ हैं वो आगे करेंगे आगे की तरफ और मोटे वाले पीछे की तरफ और इस तरह से आप इसको लगाएं और ये पिन डाल दें। पिन डालने के बाद ये बुश इसके ऊपर लगाएं और यहाँ से जो थी बाइक हमारी अब फिट होने वाली है। तो यहाँ पर अब हमें लगाना है एक पैकिंग जो फट चुका था। पैकिंग लगाने के बाद आपको जो है इस कवर को लगा देना है और हमने इस कवर को जो है इस तरह से फिटिंग कर देना है। पैकिंग ध्यान से देखें कहीं ऊपर नीचे निकल ना जाए और उसके बाद जो इस पर 8 mm के बोल्ट लगे थे उन बोल्ट को आप लगा दीजिए। तो ये यहाँ से फिटिंग हो चुका है। देखिए यहाँ पर जो इसमें बोल्ट लगे हैं वो जो हैं ख़राब हो चुके हैं, किसी ने चोट मार मार कर उनको खोला है तो थोड़ा सा चोट शायद हमें भी लगानी पड़ेगी चोट, क्योंकि ऊपर वाला तो खुल गया लेकिन जो नीचे वाला है उसको बहुत ही थोड़ा सा डैमेज किया है। तो यहाँ पर हम एलेंके लगा के थोड़ा चोट लगा के इसको खोल लेते हैं। तो हमारा जो ये बोल्ट था वो भी खुल चुके हैं। अब हम 17 mm की सॉकेट और रोड यहाँ लगाएंगे टाइमिंग सेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह आप इस रोड को ऊपर नीचे हिलाएं और यहाँ पर आपको एक F का मार्क और एक T का मार्क मिलेगा। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ पर रबड़िंग पहले निकाल देता हूँ ताकि आपको जो कट है वो आसानी से दिखाई दे।
तो यहाँ पर मैं फोकस करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे टी लिखा है और उसके पास एक हल्का सा एक मार्क लगा है, ठीक है। ये जो मार्क है आपको इस कट की सीध में कर लेना है, ये टी और मार्क, तो देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो फ्लाई व्हील तो हमने टॉप पे कर लिया है, इसका मतलब ये होता है जो पिस्टन है हमारा इस बाइक का वो टॉप पोजीशन पे है, बिल्कुल सिरे पे है ऊपर की तरफ। और उसके बाद ये जो स्पॉकेट है उसको आपको ये जो डॉट लगा है इसके हिसाब से टाइमिंग करना होता है सुपर स्प्लेंडर का। तो इस तरह से हम इस स्पॉकेट को डाल देते हैं और अब जो है हमें करना है टाइमिंग सेट, ठीक है। तो फ्लाई व्हील तो हमारा टॉप पे है, लेकिन जो स्पॉकेट है हमें केम को भी अब फोर स्ट्रोक के हिसाब से सेटिंग करना है, तो उसके लिए हमें टाइमिंग करना पड़ेगा ताकि फोर स्ट्रोक सही से काम करे और बाइक का पिकअप और माइलेज सही रहे। तो ये जो डॉट है यहाँ पे, ये डॉट देखिए, इसकी सीध में इस डॉट को करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, अब ये नीचे है तो इस तरह से टाइमिंग चैन को ऊपर उठाएँ और छोड़ दें, फिर से उठाएँ और छोड़ दें। अब जो वो पॉइंट है इस पॉकेट पर लगा हुआ, वो दो पॉइंट ऊपर जा चुका है जहाँ पर हमें सेट करना है, देख सकते हैं ये ऊपर जा लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब टाइमिंग देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है, आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि सुपर का टाइमिंग करना थोड़ा सा ज़रूरी है अच्छे तरीके से ताकि इसका पिकअप जो बना रहे, क्योंकि मेरे पास एक दो बाइक पहले आई है सुपर का टाइमिंग सही नहीं करते कुछ मैकेनिक। तो यहाँ पर देखिए टी की सीध में हमने इसको कर दिया है टॉप पॉइंट पर, और उधर से भी केम को हमने बिल्कुल सही तरीके से टाइमिंग कर दिया है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आप ये बोल्ट लगाएं तो यहाँ पर इनको लगाएं, और यदि ये सीध में ना आए तो आप इस तरह से इस फ्लाई व्हील की राड को घुमाएं, और जब ये सीध में आ जाए तो 8 mm के दो बोल्ट इस पर लगा दीजिए। अब रही बात इसको टाइट करने की, तो हम यहाँ पर अब इसको टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम टाइट करेंगे तो हो सकता है थोड़ा टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाए पीछे की वजह से, क्रैंक पोजिशन की वजह से। तो सबसे पहले हम जो है इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, थोड़ा टाइट नहीं करेंगे। तो इस पर लगाएंगे हम सबसे पहले एडजस्टर, ठीक है, यहाँ पे एडजस्टर लगाते हैं। तो इसको आप इस तरह से एक पिन पेंच कस लेके टाइट कीजिए, और अब इस एडजस्टर को इस तरह से लगाइए, और इस पर जो दो बोल्ट लगे थे उनको वापस से लगा दीजिए। जब ये बोल्ट आप लगा दें, टाइट कर दें, तो अब बारी होती है इस एडजस्टर को फ्री करने की। तो यहाँ से इसको लूज करें जैसे आपने टाइट किया था, और ये एडजस्टर छोड़ चुका है। अब टाइमिंग चैन पूरी तरह से टाइट हो चुकी है, और अब कीजिए ये जो बोल्ट लगे थे फ्रंट पॉकेट में टाइमिंग वाली पे उसको टाइट। तो हमने टाइट कर दिया है, रोड को हमने पकड़ के रखा था फ्लाई व्हील वाली को। तो अब हमारा जो बाइक है यहाँ से कम्प्लीट हो चुका है। चलिए अब ये जो साइड प्लेट है उसको लगा लेते हैं। तो साइड प्लेट लगाएं, और दूसरी साइड में 10 mm का जो बोल्ट लगा है उसको इस तरह से टाइट कर दें, और साइड प्लेट रुक जाएगी। अब जो यहाँ से आपने बोल्ट खोले थे एलेंकी वाले उनको वापस से लगा दीजिए। रबर रिंग जरूर लगाएं इन दोनों बोल्ट के अंदर ताकि लीकेज वगैरह न हो। तो गाइज अब जो एडजस्टर था उसके ऊपर जो बोल्ट था उसको भी आप लगा दीजिए। अब हमारी जो बाइक है लगभग कम्प्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब इसकी साउंड सुनते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो कीजिएगा। तो इसके साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।